सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंड आए या कच्ची मिश्री जहड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा रिश्तो.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जापानी शोटोकन कराटे डी फेडरेशन की ओर से ठाणे में राष्ट्रीय स्तर कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उल्लासनगर शहर से भी विभिन्न उम्र के बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर 18 बच्चों ने पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर अपनी जीत दर्ज कराई है। ऐसे में शहर का नाम ऊंचा करने वाले इन बच्चों के लिए मोती विश्वकर्मा द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी को आमंत्रित किया गया था। और साथ ही इस अवसर पर राजन चंद्रवंशी, कुलदीप आयल सिंगाणी, सुनील बोयर और पत्रकार महेश रोकड़े भी वहां मौजूद रहे। ओके साइड अप के नीचे करो, अपने साइड अप के नीचे ट्रॉफी के सामने अलग। हमारे 18 बच्चों को मेडल और ट्रॉफी मिला है। ये कहां पे टूर्नामेंट हुई? काटा और कोमिती में, दोनों में मिला है उनको मेडल्स और 9 ट्रॉफी मिले हैं। जिन्होंने बेस्ट फाइट किया है, बेस्ट कोमिती किया है और काटा किया है, उनको ट्रॉफी मिला है। जो थोड़े वीक थे उनको सिर्फ मेडल मिला है। थाना में टूर्नामेंट था नेशनल लेवल, और आज हमारे बच्चों लोगों का 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 13 तारीख को टूर्नामेंट हुआ है, तो आज उनका सर्टिफिकेट भी दिया गया है और बेल्ट दिया गया है, और हमारे अतिथिगणों ने दिया है। टोटल कितने बच्चे इसमें सर्टिफिकेट? टोटल 18 बच्चे ने सर्टिफिकेट में टूर्नामेंट में गए थे और 31 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। आने वाले बच्चों को मैं तो सर सिर्फ यही कहूँगा, पेरेंट्स को मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए, कराटे सिखाना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चे लोगों को तकलीफ ना हो, अपना वो मुकाबला खुद कर सके दूसरों से, क्योंकि आने वाली परिस्थिति और गंभीर होगी। लड़कियों के लिए तो खास पेरेंट्स को तो ये सोचना चाहिए कि लड़कियों को तो पहले सिखाना है, लड़कों को भी सिखाना है, और ये सीखने से बच्चों को आगे जो नौकरी में अच्छा मतलब ये मिलता है, प्रावधान मिलता है, यानी कि जिनके पास सर्टिफिकेट है स्कूल के एजुकेशन के अलावा जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होता है वो मार्शल आर्ट का होता है, जिसे इनको नौकरी मिलेगी, वो फिर वॉचमैन की नौकरी हो या एयरफोर्स की नौकरी है, तो इन्हें पहले मिलेगी। दूसरे, हम स्वस्थ निरोगी रहते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखने वाला सक्षम रहता है, और हर इंसान को सक्षम रहना चाहिए। तो बच्चों के पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा, सारे बच्चों को सिखाना चाहिए। अपने पास टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे इस वक्त 86 बच्चे हैं टोटल, दोनों ब्रांचेस मिला करके। जय हिंद दोस्तों, आज हम जापानी शोटोकन कराटे डू फेडरेशन के यहाँ एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था, जिसमें इनकी 86 बच्चों की 2 बैचेस हैं, उसमें से उनके एग्ज़ाम हुए, उसमें काफ़ी बच्चों को मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला। उन सारे बच्चों को सर और जगदीश तेजवानी जी की तरफ से, उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित किया गया। हमें ये उल्लासनगर वासियों को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज उल्लासनगर में छोटे छोटे बच्चे कराटे सीखने के उपलक्ष्य में, वो जो कराटे सीखते हैं और सर सिखाते हैं, तो ये उल्लासनगर वासियों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है। और मैं सारे उल्लासनगर वासियों की फैमिलीज़ को यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चों को ये कराटे शिक्षण दिया जाए, ताकि आगे के माहौल में स्पेशली लेडीज़ को, जो बच्चियां हैं उनको तो कंपलसरी देना चाहिए, जैसे उल्लासनगर के बच्चे सारे शिक्षित हों। धन्यवाद।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।